मेरा नाम अर्पना है। आपको इंटरनेशनल वीमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और औरतों का जैसे आज का दिन है, हालांकि हर दिन और शिक्षा है ना, शिक्षा के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। और कोई क्रांति आएगी तो वो शिक्षा से आएगी। खुलना होगा, ये समझना होगा कि जीवन बहुत ज़रूरी है, कि एक औरत का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा नाम अर्पना है। आज इंटरनेशनल वुमन डे, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जितने भी देखने वाले हैं। आपको इंटरनेशनल वीमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और औरतों का जैसे आज का दिन है, हालांकि हर दिन औरतों के हैं, पर एक जश्न का, सेलिब्रेशन का भी एक दिन होना चाहिए, जिस दिन खास एक किया जाता है। तो इसलिए आज का दिन मनाया जा रहा है। और इसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी भरपूर जिए सब लोग, और औरतों का एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो अच्छे से पढ़े लिखें और एम्पावर हों, इकोनॉमिकली एम्पावर हों, आर्थिक रूप से वो सक्षम हों, और साथ में अपनी, अपने लिए सब चीज़ें खुद से कर सकें और अपने परिवार को भी बेहतर तरीके से संभाल सकें और समाज में बेहतर तरीके से चल सकें। हमें पता है कि सोच की वजह से जो है ये चीज़ें हो रही हैं, तो सोच को बदलने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे शिक्षा है ना, शिक्षा के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। और कोई क्रांति आएगी तो वो शिक्षा से आएगी और जागरूकता से। जब तक कोई इंसान खुद में जागरूक नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि मेरे हक़ क्या है और मुझे अपने हक़ के लिए लड़ना ज़रूरी है, तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो औरतों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो जागरूक है उसे दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। और किसी को पता है कि ये हक़ है, चाहे कोई औरत है या मर्द है, तो उसे दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करना पड़ेगा। जिनको दबाया जाता है, वुमेंस को जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, वो लोग, वो जो वुमेंस होते हैं, वो इस कारण कहीं उनकी घर की बेइज्जती ना हो या उनकी बेइज्जती ना हो, इस कारण वो खुदकुशी कर लेती है। रिसेंटली अभी की बात करें, खुदकुशी की है, लेकिन हमारे लोकल एरियाज में जो है मैक्सिमम जो वुमेंस होती हैं वो चुनाव में कूदती, इस कारण है कि वो इसमें मैं ये कह रही हूँ कि बचपन से जो ट्रेनिंग दी जाती है एक छोटी बच्ची को कि तुम्हें एक कैसी औरत बनना है, तुम्हें सिर्फ सक्रिफाइस करना है, तुम्हारे लिए इज्जत बहुत ज़रूरी है, पहले मायके की इज्जत, फिर ससुराल की इज्जत, और उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। जब उनको लगता है कि सब तरह से मुझे धकेला जा रहा है, धुतकारा जा रहा है, मेरी प्रताड़ना हो रही है, तो फिर उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो समाज को थोड़ा बहुत खुलना होगा, ये समझना होगा कि जीवन बहुत ज़रूरी है, कि एक औरत का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमिकली एम्पावर होना ज़रूरी है। अब हम ये क्या करते हैं कि लड़कियों का पैसे जमा करते हैं उनको दहेज देने के लिए, उनका अच्छा घर ढूंढेंगे, उनकी अच्छी शादी करेंगे, मगर उनको ये नहीं सोचेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो पैसे के तौर पर भी इंडिपेंडेंट हो। अगर वो महिलाएँ जो डिपेंडेंट थी अपने पति पर, और पति ने अत्याचार किया, घर से निकाला, और उनके पास अपना रास्ता होता कि अपने गुजर बसर करने के लिए, इज्जत से, सम्मान से जीने के लिए कुछ चीज़ें होती, उनके पास खुद का रोज़गार होता, तो वो नहीं करती ऐसे कदम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औरतें, बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हों। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी एक और नया ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, कि चलो अपने बच्चों को पढ़ा देगी, नहीं, उनको इंडिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी भी डिपेंडेंट हो जाएगी उन सब लोगों के ऊपर, और अगर वो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसको अत्याचार करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो फिर क्या, फिर वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती ना, क्या करेंगी बेचारी। इसलिए शुरुआत से ही माँ बाप को भी समझना होगा अपने बच्चों के भले के लिए। एकदम से सुसाइड नहीं होता, बचपन से वो ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरह से, तभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो ये समझना होगा सबको भी, माता पिता को भी समझना होगा, हर पुरुष को भी समझना होगा, हर औरत को भी समझना होगा कि जीना है, खुशी से जीना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। रिसेंटली सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम चलाई हुई है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो भी खोखली दिख रही है, क्योंकि बहुत सारी बेटियाँ जो हैं रेप हुई हैं, बहुत सारी ऐसे हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम है खोखली, ये इसलिए मैं पहले भी ये कहा ना कि अगर कोई बदलाव होगा तो वो समाज के भीतर से होगा। जब तक औरतें नहीं जगेंगी, जब तक आसपास के लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, तब तक ऊपर से चाहे जितनी चीज़ें होंगे। हमारे पास कानूनों की कमी है क्या? बहुत सारे कानून हैं, संविधान बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत पुलिस के पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दी हैं, औरतों के लिए बहुत सारे हक हैं, विमेन लॉज हैं, लेकिन उनका होता क्या है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि नहीं पता कि वो कहाँ से लेने, और सिस्टम इतना
लचर किस्म का बना हुआ है कि जब औरत जाती है वहाँ पे अपने हक लेने, उसको 100 दरवाजे खटखटाने लगते हैं। वो इतनी परेशान होती है कि वो सोचती है कि इससे बेहतर है कि मैं अत्याचारी सह लूँ, इससे बेहतर है कि मैं चुप ही रह लूँ। इसलिए हमारे सिस्टम को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और जागरूकता जो है समाज में भी लानी पड़ेगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।